अस्सलाम वालेकुम सामाईन व नाज़रीन, मैं डॉक्टर नसीर सुल्ताना सैयद जलालुद्दीन आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में जमात दहम की दरसी कुतुब गज़ल नंबर 8 की मशकी सरगर्मियाँ बताई जाएंगी। इससे कबल की वीडियो में गज़ल नंबर 8 की तशरीह व वजाहत बताई गई थी। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो पिछली वीडियो से ज़रूर इस्तफादा हासिल करें। सवाल नंबर 1, शायर से मुतालिक शब की खाके मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 है मखमूर सईदी के ज़ेरे दारत रिसाले, उनके नाम लिखे हैं नीचे, महनामा तहरीक, महनामा ऐवाने उर्दू और है महनामा उमंग। सवाल नंबर 2 है मखमूर सईदी के शेरी मजमूए, इनके नाम दिए गए इधर, आवाज़ का जिस्म, वाहिद मुतकल्लिम, आते जाते लम्हों की सदा। सवाल नंबर 2, गज़ल का बग़ौर मुताला करके ज़ेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल है, गज़ल के शायर का असल नाम और तखल्लुस लिखिए। जवाब है, गज़ल के शायर का असल नाम मोहम्मद खां और तखल्लुस मखमूर सईदी था। सवाल नंबर 2, इस गज़ल में जिस हयती जुज की कमी है इसकी निशानदही कीजिए। जवाब है, मख्ता गज़ल का हयती जुज होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस का इस्तेमाल करता है। इस गज़ल में मख्ते की कमी है। शायर के मुताबिक इसके अकेला होने के 2 असबाब लिखिए। इसका जवाब है, शायर का 2 से जुदा होना इसके अकेला होने का सबसे बड़ा सबब है। दूसरा सबब, दोस्त की यादें भी उसका साथ छोड़ गई हैं जिसकी वजह से शायर खुद को बिल्कुल तन्हा व अकेला महसूस करता है। सवाल नंबर 4, मंजिलों के तय न होने का सबब लिखिए। इसका जवाब है, शायर की ज़िंदगी में गमों ने ऐसा आशियाना बना लिया है कि एक गम गुजरा भी नहीं तो दूसरा गम नुजूल हो जाता है। वो अगर ये मान भी ले कि शायद ये गम आखिरी हो तो दूसरा गम उसे बगलगीर होने के लिए तैयार खड़ा रहता है। इन गमों ने इसकी मंजिल का रास्ता रोक दिया है। सवाल नंबर 5, खुद से मिलकर उदास होने का मफहूम कलमबंद कीजिए। जवाब है, शायर का जहनी व कल्बी सुकून दोस्त की मोहब्बत थी। इसकी मोहब्बत में तो वो दुनिया को भुला बैठा था, अब हालात ने ऐसा रुख तब्दील किया है कि इसका दोस्त बेवफा हो गया है। हर वक्त अदम तवज्जी का इजहार करता है, लोगों से हंस हंस कर वो इस तरह मिलता है कि शायर का इश्क का बुखार उतर गया। दोस्त के इस रवैये ने शायर को ऐसा मुतासिर किया है कि हर लम्हा वो अपने दोस्त की याद में उदास बैठा है। सवाल नंबर 6, गज़ल के एक शेर में यकसा मायने वाले 2 लफ्ज़ आए हैं, उन्हें तलाश करके लिखिए। इसका जवाब है, तुझसे टूटा जो एक ताल्लुक था अब तो सारे जहां से रिश्ता है। इस शेर में ताल्लुक और रिश्ता 2 हम मानी लफ्ज़ है। सवाल नंबर 7, गज़ल से हम मानी अल्फाज तलाश करके लिखिए। जवाब है, गज़ल में पाए जाने वाले हम माने अल्फाज। नंबर 1 है अकेला तन्हा, 2 दुख गम, 3 है ताल्लुक रिश्ता। सवाल नंबर 8, अपनी पसंद के 2 अशार के रदीफ और काफिये लिखिए। जवाब है, रदीफ है और काफिये चलता मिलता। सवाल नंबर 9, गज़ल से सनतजात का शेर नकल कीजिए और शेर के मुतजाद अल्फाज को निशानदर्द कीजिए। जवाब है, मुलायजा फरमाए सनतजात का शेर, साथ ले लो सिपर मोहब्बत की, इसकी नफरत का वार सहना है। इस शेर में मोहब्बत और नफरत ये 2 मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और इन अल्फाजों को निशानदर्द भी किया गया है। सवाल नंबर 10, पसंदीदा शेर के मफहूम को अपने लफ्ज़ों में लिखिए। जवाब, उसकी यादें भी साथ छोड़ गई, इन दिनों दिल बहुत अकेला है। इस शेर का मफहूम, बेवफा दोस्त की यादें शायर के जीने का सहारा थी। जब भी वो तनहा होता उसकी यादों से दिल को बहला लेता था, उसे इन यादों से एक कल्बी सुकून मैसर होता था, मगर अब ये अलमिया है कि अब उसकी याददाश्त में इन यादों उन लम्हों का कोई मकाम नहीं है। अब अपने कल्बी सुकून के लिए शायर परेशान है, उसे ये महसूस होता है कि उसकी यादों ने भी
उसका साथ छोड़ दिया है, जिसके सहारे वो कई अरसे से जी रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल तन्हा है। अगला सवाल है, शेर का मतलब बयान कीजिए। उसकी यादें भी साथ छोड़ गई, इन दिनों दिल बहुत अकेला है। इस शेर का मफहूम सवाल नंबर 10 में भी बताया गया है। अब अगला शेर समाप्त फरमाएं। मंजिले गम की तय नहीं होती, रास्ता साथ साथ चलता है। इस शेर में शायर इंसान की फितरत, उसकी ख्वाहिशात का जिक्र करता है कि हर शख्स अपनी ज़िंदगी में खुशी व मसरत चाहता है और गमों से हमकिनार रहना चाहता है। उसकी ज़िंदगी में अगर जब कोई तकलीफ परेशानी आ भी जाए तो वह हर बार यही उम्मीद रखता है कि इस गम व परेशानी दूर होने के बाद उसकी ज़िंदगी में कोई गम व परेशानी का गुज़र ना होगा। उसकी ये उम्मीद उसकी आखिरी सांस तक कायम रहती है, लेकिन दर हकीकत तो ये है कि जिस तरह हमारी ज़िंदगी में खुशी आती जाती रहती है, उसी तरह गमों का गुज़र बसर भी हमारी ज़िंदगी का ही हिस्सा है।